गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज 4D. क्वेश्चन 1. मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. ए पार्ट. क्वेश्चन इज 6/8 इंटू 3/4 इंटू 20/6. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन एंड देन राइट द प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. बट स्टूडेंट्स, before multiplying the fraction, first we have to divide the numerator and the denominator by common factor and then multiply and write the answer. Students, इस question में हम लोग multiply करने से पहले numerator and denominator को divide करेंगे common factor से. यानी कि हमें एक ऐसा number choose करना पड़ेगा जिसकी टेबल में न्यूमरेटर भी आता हो और जिसकी टेबल में डिनोमिनेटर भी आता हो, और फिर उस कॉमन नंबर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी विल राइट द क्वेश्चन हियर. 6/8 इंटू 3/4 इंटू 20/6. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपको ऊपर नंबर दिया है इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और ये जो आपको नीचे नंबर दिया है इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर 6 दिया है और यहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर 6 दिया है. तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 6 से. क्यों 6 से? क्योंकि 6 की टेबल में न्यूमरेटर भी आता है और 6 की टेबल में डिनोमिनेटर भी आता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. 6 वन जा 6. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 20 दिया है और यहाँ पे आपको 4 दिया है. तो न्यूमरेटर आपको 20 दिया है और डिनोमिनेटर आपको 4 दिया है. तो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 4 से. क्यों 4 से? क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है और 4 की टेबल में 20 भी आता है. तो स्टूडेंट्स, हम लोग 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. तो 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो कि अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो सकता है. तो अब हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. तो 3 × 5 = 15. डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे केवल 8 दिया है. 8 × 1 = 8. सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो 15/8 ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है. इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे 8 से. सो स्टूडेंट्स, 15 / 8, 8 वन जा 8, 15 - 8 = 7. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कन्वर्ट 15/8 इंटू मिक्स फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे 8 दिया है तो हम लोग डिनोमिनेटर को 8 लिखेंगे. ठीक है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे. अब रिमाइंडर आपको 7 दिया है तो ये रिमाइंडर हम लोग न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे. क्वेश्चन आपको 1 दिया है तो 1 हम लोग साइड में लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स, 1 7/8, दिस इज योर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू बी पार्ट. क्वेश्चन इज 5 × 3/20 इंटू 1 1/2. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल राइट द क्वेश्चन हियर. यहाँ पे आपको केवल 5 दिया है तो हम लोग 5 लिखेंगे. डिनोमिनेटर आपको नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर हम लोग 1 मानेंगे. इंटू 3/20 इंटू, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को हम साइड के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम न्यूमरेटर से ऐड करेंगे. तो 2 × 1 = 2 + 1 = 3. सो स्टूडेंट्स, 3/2. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर
by the common factor and after that we will multiply and write the answer. तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 5 दिया है और यहाँ पे आपको 20 दिया है. न्यूमरेटर आपको 5 दिया है और डिनोमिनेटर आपको 20 दिया है. तो स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 5 से. क्यों 5 से? क्योंकि 5 की टेबल में 5 आता है और 5 की टेबल में 20 भी आता है. तो स्टूडेंट्स हम लोग 5 एंड 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि अपना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 5 से. 5 × 5, 5 × 20. नाउ स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और डिवाइड नहीं हो सकता है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8. स्टूडेंट्स ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे 8 से. एट वन जा एट, 9 − 8 = 1. सो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर आपको 8 दिया है तो हम लोग 8 लिखेंगे. रिमाइंडर आपको 1 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे. क्वेश्चन आपको 1 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर. नो स्टूडेंट्स कम टू सी पार्ट. क्वेश्चन इज 1 × 1/2 ऑफ 50 किलोमीटर. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन हियर. ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 2 × 1 = 2 + 1 = 3. सो 3/2 × 50. नो स्टूडेंट्स ये आपको केवल 50 दिया है, डिनोमिनेटर आपको नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर हम 1 मानेंगे. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 2 से. क्यों 2 से? क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 50 भी आता है. तो हम लोग 50 जो कि आपका न्यूमरेटर दिया है और 2 जो कि आपको डिनोमिनेटर दिया है, इन दोनों नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 × 1 = 2. 50 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आपका आंसर आएगा 25. तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि आप अब और नंबर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, यानी कि अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अब और डिवाइड नहीं हो सकता है. तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. न्यूमरेटर आपको यहां पे 3 दिया है और यहां पे आपको 25. सो 3 × 25 = 75. डिनोमिनेटर आपको 1 दिया है, 1 × 1 = 1 ही आएगा. तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर हम नहीं लिखेंगे. 75 किलोमीटर. स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर. जब आपको डिनोमिनेटर केवल 1 दिया हो तो उस केस में हम लोग नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, हम लोग केवल न्यूमरेटर लिखेंगे. तो 3 × 25 = 75 किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स कम टू डी पार्ट. क्वेश्चन इज 2/15 × 1 × 2/4 × 1 × 1/2. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन हियर. 2/15 × ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 4 × 1 = 4 + 2 = 6. सो 6/4 × 2 × 1 = 2 + 1 = 3. 3/2. नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉमन फैक्टर एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहां पे आपको न्यूमरेटर 2 दिया है और यहां पे आपको डिनोमिनेटर 4 दिया है. तो हम लोग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 4 भी आता है। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको न्यूमरेटर दिया है 3 और यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर दिया है 15। तो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 3 से। क्यों 3 से? क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 3 की टेबल में 15 भी आता है। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको नंबर दिया है 2, डिनोमिनेटर आपको 2 दिया है और न्यूमरेटर आपको 6 दिया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है और 2 की टेबल में 2 भी आता है। तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो कि अब और हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 दिया है, यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे आपको 1। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे आपको 2 दिया है। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। सो स्टूडेंट्स, 3 अपॉन 10, दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन ए बी सी एंड डी पार्ट, ई एंड एफ पार्ट। दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी एंड शो मी टुमारो।